रोल है। रायपुर शहर के दृष्टि से दो बहुप्रतीक्षित निर्णय थे, उन दोनों निर्णय को माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में एक बैठक करके निर्णय ले लिया गया है। अब रायपुर के शास्त्री चौक के स्काई वॉक को पूर्व अनुमोदित योजना के हिसाब से उसका निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय शहर के यातायात लोगों की सुविधा के दृष्टि से स्काई वॉक का निर्माण किया जा रहा था, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उसे रोका गया था। अब संपूर्ण रूप से विचार करके स्काई वॉक को पूर्व अनुमोदित ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण निर्णय उस बैठक में लिया गया, शारदा चौक से त्यात्यापारा चौक तक सड़क के चौड़ीकरण के लिए भी शासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक करके निर्णय लिया है कि इसके लिए कलेक्टर रायपुर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए। कमेटी मार्ग के चौड़ीकरण के लिए विस्तार से परीक्षण करेगी कि कितने जमीनों का मुआवजा देना होगा, कितनी शासकीय जमीन है और चौड़ीकरण के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता होगी। इन सब बातों का विस्तार से परीक्षण करके 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट के हिसाब से उस मार्ग के लिए आगे का काम किया जाएगा। ये निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में लिया गया। इस बैठक में रायपुर लोकसभा के सांसद आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, विधायकगण राजेश मुणत जी, मोतीलाल साहू जी एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। सर, ये स्काई वॉक में क्या अतिरिक्त राशि का आवंटन भी किया जा रहा है, क्योंकि 5 साल की अवधि तक वो पेंडेंसी में था। तकनीकी रूप से उसका परीक्षण किया गया है और उसे पूरा करने के लिए जो भी राशि अतिरिक्त लगेगी उसका वहन किया जाएगा। इन दोनों विषयों को बातचीत करने के लिए शहर के प्रमुख जनप्रतिनिधियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आमंत्रित किया था और उन सबके सलाह से विचार विमर्श करके ये निर्णय हुआ है। कांग्रेस ने स्थगन लाया है।